टू इंटरफेयर एंड रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ लाइट इन द इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ दीज वेवलेट जो हमारे हैं इंटरफेयर करेंगे और हमारे पास एट एनी पॉइंट जो है इंटरफेयर करके एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें दे, दे देंगे तो हमने ये जो हमारे पास वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट में हमारे पास जो है जो हमने वो पॉइंट एज ए पोल लिया है तो हमने एज्यूम किया है हमारे पास ए बी सी डी ए बी सी डी टू राइट साइकिल हमने ओ पॉइंट को पोल माना और ये वो पॉइंट से पी पॉइंट जहां पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी जल्दी इंटेंसिटी निकालनी है उसको हमने पी स्मॉल पी लेंथ ली है डिस्टेंस लिया है तो इसमें जो फर्स्ट पीरियड है हमारे पास इसमें लेमडा बाई टू एड कर दे तो P में लेमडा बाई टू जो हमारे पास वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक लाइट की उसका लेमडा बाई टू लेके उसमें ऐड करके और एक हमने एक सर्किल कंसेंट्रिक सर्किल स्फीयर हमने ड्रॉ किया वो ओ एम वन ये हमारे पास ये सर्किल आ गया फर्स्ट सर्किल उसके बाद पी प्लस टू लेमडा बाई टू लेके फिर हमने अनदर सर्किल स्क्र ड्रॉ किया फिर हमने इस तरह से ड्रॉ करते चले गए और लास्ट में हमारे पास ये पी प्लस एन लेमडा बाई टू का सर्किल और इससे पहले पी प्लस एंड माइनस वन बाय टू का लेमडा बाई टू का सर्किल आ गया तो ये जो हमारे पास जो एरिया है द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्किल इस कॉल्ड द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड ये जो ये फर्स्ट है ये फर्स्ट हाफ पीरियड जो एरिया ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और ये जो सेकंड है ये एरिया ऑफ द सेकेंड हाफ पीरियड जोन कहलाएगा और इस तरह से जो ये बिटवीन एन माइनस वन एंड एन एरिया ऑफ द एन हाफ पीरियड जोन कहलाता है तो एरिया ऑफ द जोन हमारे पास क्या आगा द एरिया ऑफ द एन जोन विल बी इक्वल टू पाई ओ एम एन स्क्वायर माइनस पाई ओ एम एन माइनस एन स्क्वायर हमारे पास होगा और अगर हम देखें ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल हमारे पास बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल तो दिस ओ पी एम एन वन स्क्वायर इक्वल टू ओ एम एन ओ एम वन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर तो हमारे पास वो वन की स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा हाफो स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इसी तरह से हाफो स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस है हमारे पास पी प्लस एन एल एमडा टू ये है पी पी तो पी स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह से पी प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में एलेमडा बाय टू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर जैसे इसमें दिया इसको ओपन करें तो पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एलेमडा बाई स्क्वायर बाय फोर प्लस पी माइनस पी स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस एन माइनस वन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर प्लस पी एन माइनस वन लेमडा एन माइनस पी स्क्वायर तो इसमें ये पी स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें भी और इसमें भी तो हमारे पास पी एन लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर मलस माइनस पी एन माइनस वन लेमडा माइनस एन माइनस वन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई फोर तो ये पी एन लेमडा पी एन लेमडा कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास जो बचेगा पी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बाय फोर एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर ये बचेगा तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा पाई पी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बाई फोर टू एन माइनस वन ये हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ द एन जोन आ जाएगा क्योंकि लेमडा की वैल्यू बहुत कम है पी के कम्पेरिजन में तो लेमडा स्क्वायर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड हम कर सकते हैं द एरिया ऑफ ये हमारे पास एरिया ऑफ द जोन विल बी इक्वल टू एन एन जोन आ जाएगा पाई पी लेमडा के बराबर तो हैं इसमें एन की वैल्यू नहीं है तो एरिया ऑफ ईच जोन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम फ्री फ्रॉम ऑर्डर ऑफ द

कितना वन प्लस इज द एंगल ये एंगल क्या है थीटा है यहाँ पर हमने एक ये आ, हमने इस पर हमारे पास ये आ, X अगर हमने सपोज कर ले तो ये इससे हमारे पास ये इस टेंजेंट का थीटाइन एंगल होगा थीटा एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द जोन एंड द्वाइनिंग द जोन टू पी ये ज्वाइनिंग तो देर फॉर द एम्बली टू डू टू द एन जोन जो हमने डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द एन जोन जो इससे आया ये वाला ये है और एवरेज डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ये यहाँ से आया और ये ऑब्लिक फैक्टर के प्रोपोर्शनल है जो हमारे पास यहाँ से आया वन प्लस कॉफ थीटाइन तो ये हमारे पास जो है आर एन दैटी प्रपोर्शनल टू हमारे पास आ जाएगा पाई लैम्डा वन प्लस थीटा थीटाइन के बराबर इससे आ जाएगा इसमें हम लेमडा कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई लेमडा इंटू वन प्लस तो एज एन इंक्रीजेज एज जैसे होगा डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि थीटाइन जो है वो साइन थीटा एन होता तो इनक्रीज करता और और थीटा थी डिक्रीज करता चला जाएगा तो देयरफॉर द एम्पलीटूड ऑफ द जोन एट पी ड्यू टू ए जोन डिक्रीजेज एट द ऑर्डर ऑफ द जोन डिक्रीजेस तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा तो आप ये देखेंगे कि इसके कारण इंटेंसिटी यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी एन एच जोन के कारण इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी रिजल्ट इंटेंसिटी कम आएगी तो रिजल्ट डब्लिट्यूट हमें कहाँ निकालना है पॉइंट पी पर निकालना है ड्यू टू दल जोन्स जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को करने से प्रोड्यूस करने से हमारे पास ये जो आए हैं

माइनस आर टू लिखेंगे आर थ्री फिर पॉजिटिव हो जाएगा आर फोर फिर नेगेटिव हो जाएगा इसी तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा और लास्ट में माइनस वन रिस्ट टू पावर एन माइनस वन इंटू आर एन एन डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू ओड है या एन की वैल्यू इवन है ठीक है ना आर टू इज द स्लाइटली स्मॉलर देन आर वन होगा बट स्लाइटली ग्रेटर देन आर थ्री होगा तो हम R2 टू एवरेज ले सकते हैं R1 और R3 का तो R2 टू विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाई टू सिमिलरली आर फोर विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर थ्री प्लस आर फाइव डिवाइड बाई टू एंड सोन ऐसे करते रहेंगे तो R की वैल्यू जो है हम इसको फिफ्थ इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू आर वन बाई टू प्लस आर वन बाई टू माइनस आर टू प्लस आर थ्री बाय टू अब देखिए आर वन प्लस बाई टू एंड आर वन बाई टू क्या बनेंगे आर वन माइनस आर टू हो जाएगा और फिर ये आर थ्री हो जाएगा फिर माइनस ये हमारे पास जो है आर थ्री बाय टू और ये हमारे पास <coughs> क्या नाम जो है और ये हमारे पास है आर थ्री आर फोर और आर फाइव इस तरह से ये ठीक है ना आर थ्री बाय टू माइनस आर फोर प्लस आर फोर डिवाइड बाय टू एंड सो ऑन अप टू आर एन बाय टू और आर एन माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस आर एन तो एन ओड होगा तो आर एन बाई टू आ जाएगा तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी तो अगर एन होगा हमारे पास तो ये जो वैल्यू है ये ये क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा हमने बताया आर वन बाई टू प्लस आर थ्री बाय टू हमारे पास आ जाएगा तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये जो सब कैंसिल हो जाएंगे बचेगा क्या आर एन बाई टू बचेगा एन ऑड होगा तो आर वन बाय टू बचेगा और आर एन बाय टू बचेगा और अगर एनविन होगा तो ये बचेगा हमारे पास ये कैंसर सब जीरो हो जाएंगे और ये टाइम बचेगी आर एन माइनस वन टू माइनस आर एन बचेगी तो इन प्रैक्टिस एन इज वेरी लार्ज एन क्या है बहुत लार्ज होता है अगर लार्ज होता है तो आर एन माइनस वन होगा एनथ एथ वेव फ्रंट के कारण वो हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो के लगभग हो जाएगा तो आर एन माइनस वन इक्वल टू आर एन लगभग जीरो के बराबर होंगे तो ये हम ले सकते हैं कि जल्टन एम्पलीट्यूट आर बराबर आर वन माइनस आर वन अपॉइंट टू के बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दस द एम्पलीट्यूट डू टू तो द कंप्लीट वेव फ्रंट जो हमारे पास कंप्लीट वेव फ्रंट है एट ए पॉइंट इन फ्रंट इट इज जस्ट हाफ दैट डू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एक्टिंग अलोन ठीक है ना जो हमारे पास फर्स्ट हाफ पीरियड है वो क्या है हमारे पास आर वन बाई टू के इक्वल ही होगा हमारे पास किस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो एम्पलीटूट आएगा रिजल्टेंट रिजल्ट आएगा वो लगभग आर वन बाई टू यानी कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का जो होगा उसके आधे के बराबर होगा तो यही कहता है कि दस द एम्पलीट्यूट ड्यू टू दम्प्लीट वे फ्रंट एट ए पॉइंट इन फ्रंट इट इज जस्ट हाफ दैट ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एक्टिंग अलॉन ठीक है थैंक यू